स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल राकेश पर। दोस्तों ये जो होम थिएटर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये नॉन ब्लूटूथ वाला होम थिएटर है। जब दोस्तों पहले जो है ब्लूटूथ वाले होम थिएटर नहीं आते थे, ये दोस्तों तब का होम थिएटर है। तो दोस्तों ऐसा क्या करें कि हम इसको इसमें ब्लूटूथ लग जाए, तो उसी की वीडियो का दोस्त इसी का आज मैं आपको दोस्तों सोल्यूशन लेकर आया हूँ आज की वीडियो में। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये एक छोटा सा ब्लूटूथ चिप है, इसी को हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। किस तरह से इसमें ये 5 वायर हैं, इनका कनेक्शन किस तरह से होगा उसी वही आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने इस होम थिएटर को ओपन कर लिया है पीछे से, जैसा कि हमें जो है इसमें 12012 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अगर दोस्तों आपके पास चार्जर इसमें नहीं रखना चाहते तो आप दोस्तों 7805 के एक जो दोस्तों आईसी आते हैं उसको लगाकर और इससे दोस्तों 12 वोल्ट निकाल कर और उसको जो है दोस्तों आपको 5 वोल्ट में वो कन्वर्ट कर देगा। यानी कि आपको मैं साइड में जैसा कि स्क्रीन में शो हो रहा होगा, और दोस्तों इस ब्लूटूथ मॉड्यूल चिप का भी मैं आपको कनेक्शन साइड में शो कर देता हूँ कि इसका कनेक्शन किस तरह से करना है। और उससे आप दोस्तों जो है इससे 12 वोल्ट देकर उससे 5 वोल्ट लगाकर फिर भी सेम काम ले सकते हैं, मगर ये दोस्तों मुझे काफ़ी सिंपल लगा। आप वो भी कर सकते हैं, ये भी बात वही है। जैसा कि मैंने इसको जो है ओपन कर लिया है मित्रों, इसको इस कवर को मैंने हटा के और ये इसमें दोस्तों हमको ये मॉड्यूल चिप लगानी है। तो इसका कनेक्शन यहाँ पर मित्रों सिंपल सा है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर ये जो है हमें रेड दिख रही है, ये वाइट है, तो और ये इसके पॉइंट है। तो इनसे कौन सा वाला रेड का है कौन सा वाइट का है, इसका हमें पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। देखिए जैसा कि ये मैं ये मल्टीमीटर ले रहा हूँ, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखेंगे, यहाँ पर ये साउंड देता है। जैसा कि अब देखिए हम इस रेड वाले में लगाकर और इसकी चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर नहीं आई। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ रीडिंग भी शो हो रही है, तो यानी कि ये रेड वाला है और ये जो है दोस्तों ये जैसा कि वाइट वाले की कंटिन्यूटी इसमें आनी चाहिए। ये देखिए इसमें ये कंटिन्यूटी आ रही है। और बात करें ग्राउंड की, तो देखिए ये इसका ग्राउंड है और ये इस पर लगाने पर भी इस हमें कंटिन्यूटी शो हो रही है। तो इसका दोस्तों जो सिंपल सा कनेक्शन है, यहाँ पर ये जो देखिए ब्लैक वायर को हम यहाँ पर शोल्डिंग करेंगे और ये एल वाला है जो एल आउट को इस सफ़ेद वारे पे शोल्डिंग करेंगे, ये जो येलो कलर का है। और ये बचा अपने पास मित्रों रेड वाला, इसको हम यहाँ पर शोल्डिंग करेंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने जो है इसके कनेक्शन कर दिए हैं, इन तीनों वायर को यहाँ पर शोल्डिंग कर दिया। ये इसका ग्राउंड था और ये दोस्तों ये इसके चार्जर का ग्राउंड था। जैसा कि मैंने इस पर कनेक्शन पर स्लिप चढ़ा दिए। चलिए अब मैं जो है इसको लाइन देकर और इसको ऑन कर देता हूँ स्विच को। देखिए जैसा कि अभी इस स्विच में जो है दोस्तों लाइट आ चुकी है। अभी ये ऑन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है हमारी ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन नहीं हुई है। इसको 5 वोल्ट हम जो है इस चार्जर की मदद से दे देते हैं। जैसा कि मैं जैसा कि इस चार्जर को भी लगा दिया हूँ, तो जैसा कि आप साउंड सुन सकते हैं ये मित्रों कनेक्ट हो चुका है। चलिए अब मैं जो है मोबाइल में जो है इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसका ये कनेक्शन देख सकते हैं दोस्तों BT, इसको हम कनेक्ट करते हैं। जैसा कि ये कनेक्ट हो चुका है, अब जो है हम इसमें देख सकते हैं जैसा कि ये ऑन। तो दोस्तों वीडियो में अगर कुछ भी सीखने को मिला हो लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। कुछ भी बात अगर समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।